मेरे को रुकना पड़ेगा ना, सिग्नल है तो कल बोले रुकना पड़ेगा तेरे को। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। तो अभी देखो प्लान क्या है, वो अंदर जाएगा, करोड़ रुपए लेगा और मैं तब से गाड़ी चालू करूंगा और फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा आली रे आली आता तुझी बारी आली जायकान शिकरे। तो मैं आया था इंटरव्यू के लिए यहाँ पे और पसीना देखो भाई, पीछे से देखो कैसा लग रहा है टकला। ओ भाई साहब, अपना काम तो वैसे हो चुका है, वो बोले कि फोन करके बताता हूँ, तो बस फोन का इंतजार करना है करोड़ों साल, पता नहीं कब करेंगे बर्थडे। वो बोले कि तू क्यूट दिखता है, नहीं ऐसे बोले नहीं है बट डेली ब्लॉग्स की कोशिश शुरुआत चालू हो चुकी है गाइज। और यहाँ पे मैंने मेरे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क करके रखी हुई है, क्या करूँ पैसा बहुत है पर फिर भी मैं चल के जा रहा हूँ बिकॉज आई एम डाउन टू अर्थ गाइज, यू नो दैट। और ये मेरा जनरेटर है, ग्राफिक लगा के रखा है, और यहाँ पे भी मैंने एक गाड़ी पार्क करके रखी हुई है। चलो भाई वॉचमैन देख रहे, मेरे को धक्के मार के निकालना दे। हाँ ओके, तो सक्सेसफुली गेट के बाहर आ चुका हूँ। एक्चुअली वॉचमैन को मैंने ही रखा था काम पे, लेकिन यू नो, उसका काम रहता है कि कोई भी आलतू फालतू के लोग आएंगे तो भगा देंगे, तो काइंड ऑफ इसलिए मैं बंद कर दिया था। एक्चुअली करोड़ों स्टेज चढ़ के थक गया भाई सब। और ये देखो समुंदर, समुंदर के बीच, और वो देखो एक लहर आ गई, देख रहे हो। ओके, तो अभी करना क्या है, करना ये कि कुछ नहीं करना है, यहाँ से अभी जाने का सीधा घर पे जाने का, घर पे जाके टिफिन लेके काम पे जाने का। ये मेरा पहला दिन है काम का और मैं लेट हूँ। हैव यू सी दैट, ये है ट्रेन। अगर तुम लोग को पता नहीं होगी तो ट्रेन ऐसी दिखती है मुंबई के लोकल्स, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोकल घूम रहे लोग यहाँ पे, और बहुत सारे लोग मुझे देख के बोल रहे कौन है अनपढ़ बंदा यहाँ पे बातें किए जा रहा है। ओके, तो हम लोग अभी रेसिंग देख रहे हैं यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा मजा। मैंने उस वाली पे मेरा पैसा लगाया तो काइंड ऑफ मैं जीत गया, अभी 3.5 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएगा। कुछ भी बोल रहा हो ना, क्या बात है। तो पहला सवाल तुम्हारे मन में क्या होगा कि ओ चप्पल पहन के इंटरव्यू कौन जाता है, बिकॉज मेरे को पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो बोले कि हाँ फोन करके बताते, और करोड़ों साल फोन नहीं आएगा, तो बस वही है। बहुत पका था यार ये, क्या करूँ। हाँ मैंने तुम लोग को एक बात बताना भूल गया, मैंने एक्चुअली पजेरो स्पोर्ट भी लेके रखी है, तो मैंने इधर पार्क कर दी अभी सी, तो फिर भी मैं चल के जाऊँगा या फिर ऑटो से जाऊँगा, क्योंकि आई एम डाउन टू अर्थ और मैं चाहता हूँ कि लोगों का भला हो जाए, थोड़े बहुत पैसा रिक्शा वाले भी कमाए पसीना। ओके, तो तुम लोग सोचोगे, मुझे पता है तुम लोग सोचते नहीं हो, मैं तो बोलता हूँ कि सोचो, तुम लोग ये सोचो। देख रहा था प्यारे से अंकल, मुझे देख रहे थे, ठीक है। तो मैं बोल रहा था तुम लोग सोचो तुम लोग कि ये पहले जाके बोला कि मैं इंटरव्यू जाके आया और बाद में बोला था कि ये मेरा फर्स्ट डे है जॉब पे, ऐसा क्यों बोला ये। तो ऐसा है कि बबुआ, कि जो जॉब पे जाने वाला हो पहला दिन है वो दूसरी जगह पे है, और ये जो इंटरव्यू गया था वो दूसरे जॉब का है, तो ज़्यादा सोचो मत, समझे, चुप रहो, बकवास हो तुम लोग। मैं अपने ऑडियंस को बकवास बोल रहा, हराम करो, अगर डिसलाइक करके गए ना बहुत मारूंगा। तो यहाँ पे सिग्नल आ गया, रेड है तो मेरे को रुकना पड़ेगा ना, सिग्नल है तो मेरे को अभी रुकना पड़ेगा, अंकल बोले रुकना पड़ेगा तेरे को। मैं जा सकता हूँ, अरे यार मेरे को लगा रुकना पड़ेगा मेरे को, अच्छा वो अंकल बहुत अच्छे, मुझे लगा रेड सिग्नल देख के रुकना पड़ेगा, इसका मतलब मैं जा सकता हूँ। ओ भाई मैं ऑसम हूँ, तुम लोग को पता नहीं है गाइस। तो इधर आने वाला है वो हरामखोर कुत्ता, इसके बारे में बोला नहीं अभी तक मैंने, बट जान जाओगे तुम लोग। और वो अंकल भी सोचते होंगे क्या गधा ही है यार। देखो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जिधर जाता हूँ उधर बैठने के लिए हम लोग के लिए सोफा भी पा रखते, तो अभी थोड़ा बैठ लेता हूँ। हरामखोर दोस्तों का इंतजार करते करते अभी 4:30 घंटे हो चुके हैं। तो मैं जिस महान इंसान के बारे में बात कर रहा था वही नहीं है, ये उसको बताना मत, मैंने इसको हरामी बोला करके, ठीक है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये मेरी वीडियो नहीं देखता। अपनी हायाबुसा लेके घूम रही है, ये है मुंबई के सड़कें, रेड एफएम 93.5 पर जाते रहो, आप सुनते हो मुंबई के सड़कों पे आरुष घूमते हुए। अभी अगर तुम लोगों को ये मिल जाओ तो ऑटोग्राफ ले लेना। और पीछे हमारी है मुंबई
मुंबई की सारा सोच बैंक जा रहे हैं हम लोग मनी हाइज देखने के बाद सारे सब लूटेंगे नहीं भाई पकड़ लेंगे क्या मार देगा कुत्ते जैसा पकड़ खड़ा नहीं इधर आती है रोबोट में आया मैं ओ सर ओ साला चूना लगा के चला गया मेरे को अकेला लूटेगा तो अभी देखो प्लान क्या है वो अंदर जाएगा करोड़ रुपए लेगा और मैं तब से गाड़ी चालू करूंगा और फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और मैंने पुलिस को भी फोन करके बोल दिया है कि हम लोग चोरी कर रहे हैं हम लोग को ढूंढना मत हम वाला थप्पा नका करूँ के ऊपर डैन है डैन ही बोलते ना डैन डाई डैन डूडा और ये है ओ तुम लोग को बताना भूल गया ओ देखो करोड़ों की जायदाद यहाँ पे हमारी स्वप्न नगरी फिल्मिस्तान स्टूडियो जिसका स्टूडियो टूट चुका है स्टूडियो टूटा नहीं है बट उसका STU वो टूट चुका है तो लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरे को बोले क्या पागल जैसे बोले और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसके लिए पहली अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना बिकॉज ये फ्री है चल रहा है और मैं तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ भले उसका ही मेरा ही फायदा है करोड़ रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे पर ऐसा बोलना पड़ता है हर यूट्यूबर को ऐसा बोलना पड़ता है कि वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं वो सफ़ेद झूठे हैं हम लोग तो आ चुके हैं हम लोग करोड़ों रुपए लेके तो अभी हम लोग भाग रहे और किसी को पता ना चले इसलिए जल्दी जल्दी टाइम पास बंदा है यार ये क्या गुंडा बनेगा रे मुंह छुपा रहे नहीं है बिकॉज लाइक प्रोफेसर जैसी प्लानिंग है मेरी इसलिए अभी तक उधर ही हम लोग देखो और कोइंसिडेंस देखो क्या है मेरा भी सारस्वत में ही अकाउंट है और पता है उसमें कितने पैसे 10 रुपए होंगे शायद मैं मजाक नहीं कर रहा सही में 10 रुपए करोड़ों की जमा पूंजी बैंक में नहीं रहती दिल में रहती है दिल में जमा पूंजी सुन के ये मेरे को किडनैप ये बंदे ने मेरे को किडनैप कर लिया ओ अजय तू है आइडल मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं घर में कोई नहीं है मैं अकेला हूँ मेरे को सिंगिंग में ले लो और मैं पता है ऑडिशन क्या दूंगा मैं हूँ जियान मैं हूँ बड़ा ताकतवर मेरा गला है भाई शपथ बता रहा हूँ मैं मेरे को सिलेक्ट करके सीधा फाइनल समझ रहे हो ऐसे थोड़े हमारे जाने माने खिलाड़ी अंकल यहाँ पे डाल दी है स्टोर मेरे को पता नहीं था मुझे लगा उधर नागोरी ये अलग खोल दिया नागोरी ओ भाई प्यारे प्यारे अंकल हमारे बहुत टाइम के बाद मिल रहे मैं उधर जाता हूँ लेकिन अभी उधर तुम लोग नहीं मिलते तो अभी मेरे को पता नहीं था इधर आ गया पिला दो चाय एक थोड़ी बहुत इसके मुंह पे मार देना प्यारा अलग वीडियो चालू है मेरे को पता ही नहीं है टकला हो गया चलो बाय अंकल और अंकल ने पैसा ही नहीं लिया हमसे बोल रहे मैं कितना इंसिस्ट कर रहा हूँ ले लो बिकॉज शॉप है ना उनका तो अपना देना फर्ज बनता है बट वो ले रहे नहीं रहे थे पर नहीं नहीं पहली बार आया ना इसलिए नहीं लूँगा रख ले पर लिया ही नहीं अच्छा लगता है ऐसे लोग ऐसे ज्वाइन करता हूँ मैं दिल से लेकिन कुछ घटिया लोग मेरे ज़िंदगी में आ चुके हैं तो क्या ही करें करोड़ों रुपया कब आएगा कर भाई लोग पागल बोलेंगे मेरे पर है ना तेरे को किसी ने पूछा है तो चलो अभी घर पे जाता हूँ बैग लेता हूँ फिर मुँह उठा के मिलता हूँ आप और हाँ तुम लोग को पता नहीं होगा तुम लोग को बता देता हूँ कि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन अंकल 4 पैदा देना हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि सब्सक्राइब कर देना ओके तो पहली बात यह है कि पहली कोई बात नहीं है और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात मैं भूल गया और तीसरी बात ये ओ ठीक है तुम लोग सोचोगे कि तीसरी बात बोलते हैं बताएगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तीसरी बात ये है कि जो पहली बात है मतलब कोई बात नहीं है और चौथी बात ये है कि जॉब पे जा रहा और पहला दिन है मेरे ब्लॉग के लिए हाय बोलो ना हाय बोलो हाय बोला आरुष क्रेजी फन को सब्सक्राइब करो बोलो ना ब्लॉग बनाते हो हाँ तो अरे बोला आरुष क्रेजी फन को सब्सक्राइब मैंने आप बोला आप में दम है वो बात आप बोलो प्लीज चालू है कब से आरुष क्रेजी फन आरुष क्रेजी फन को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब आज के बाद मेरे वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे पक्का प्रॉमिस यस चलो झूठ बोल रहे आप नहीं झूठ नहीं बोल ओके कैसे बताऊँ मैं क्यों जॉब ओके तो जॉब का पहला ही दिन और पहले ही दिन में औसम तरीके से गेम के बाहर आ चुका हूँ मतलब छोड़ दिया क्योंकि एक इतना घटिया रीज़न है तुम लोग बिलीव नहीं करोगे घटिया रीज़न ये है अगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए घटिया रीज़न होगा
वो रीजन है कि फॉर्मल, मुझे फॉर्मल पहनना पसंद नहीं है, बहुत लोगों को पता है। ओके, और कुछ कुछ बातें हैं जो इंटरव्यू में बोली नहीं थी, लेकिन वो उधर जाने के बाद दोस्तों ने बताया, मतलब उधर के दोस्तों ने बताई कि बाहर भी जाना होता है ये वो, तो उसकी वजह से। ओके, तो चलो सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। देखो, एक्वाफोबिया होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, हीमोफोबिया होता है, इलेक्ट्रोफोबिया होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फोबिया होते हैं। लेकिन अब बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता है तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये घटिया होगा, बट मेरे लिए मेरा फोबिया है कि मुझे फॉर्मल फोबिया है, ये मैंने एक्चुअली खुद नाम इन्वेंट किया है, और फॉर्मल फोबिया। और फॉर्मल फोबिया में क्या होता है, जब मैं फॉर्मल कपड़े अपने ऊपर पहन लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई गला था बार छोड़ दे, नहीं प्लीज भगवान के लिए, मुझे बहुत हो रहा है ना, मुझे पता है। तो उसमें ये होता है कि मैं अनकंफर्टेबल होता, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि एकदम या किसी ने पकड़ के रखा, मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे ऊपर कोई मंडरा रहा है। वो शर्ट कौन इन करता है भी, पागल हो क्या, शर्ट इन करने के लिए थोड़ी होता है। और उधर बताया गया कि फ्राइडे सैटरडे संडे को फॉर्मल पहनना होता है। एंड देखो, जो काम में आप अनकंफर्टेबल हो तो आप वो काम नहीं कर सकते, तो एक दिन होगा तो भी चल जाता, लेकिन 4-5 महीने साल वो नहीं कर सकते। तो यही रीज़न था कि उधर से वॉकआउट हो गया मैं। अगर तुम लोग इस चैनल पे घूमते घामते आ गया और तुम इस चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, अगर इधर तक वीडियो देखे तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, बिकॉज एब्सोल्युटली फ्री चल रहा है मार्केट में, कुछ भी बोल रहा बट फ्री है तो कर देना। और जो भी पहले के सब्सक्राइबर है इस वीडियो को लाइक कर दो। और मेरे दो और चैनल है, एक चैनल पे गेमिंग वीडियोस डालता हूँ, लेकिन उधर मैं बोलूँगा ना सब्सक्राइब करना बिकॉज उधर मैं रेगुलर नहीं हूँ, तो उसके ऊपर मत करना। लेकिन मेरा एक अलग से रिएक्शन चैनल है, वहाँ पे तो भाई तबाही होती है, मतलब वहाँ पे फुल ऑन मज़े होते हैं। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो उसको जाके सब्सक्राइब करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो फेंक दिया है। चलो मिलते हैं।